हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज आपके लिए मैं नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ। कई व्यूअर्स की क्वेरीज आ रही थी कि हमारा कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो उसकी ये ऑटो कट से नीचे से हवा निकलती है, तो उसको क्या रीज़न है, उसको कैसे ठीक करें। आज मैं इसी के लिए आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है और उसमें क्या वजह है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने साबुन लगाया आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से हवा लीक हो रही है। कंप्रेसर स्टार्ट करता हूँ, ये कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं, ये देखिए हवा लीक हो रही है यहाँ से, ये हवा लीक हो रही है सारी यहाँ से। ये देखिए आपको और चेक करा रहा हूँ, ये देखिए ये सारी हवा यहाँ से लीक हो रही है। इसको कैसे ठीक करना है आइए आज आपको बताता हूँ, जुड़े रहिएगा वीडियो से लास्ट तक, देखिएगा आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो है। इसके लिए सिर्फ क्या करना है आपको, आप ये लीवर देख रहे हैं, इसको हल्का सा टैप करना है और ये हवा निकलनी बंद हो जाएगी। ये देखिए डाली, अब दिखाइए बड़ी, ये देखिए ये हवा निकलनी यहाँ से बंद हो गई, ये देखिए हवा निकलनी बिल्कुल बंद हो चुकी है। क्या करना है खाली, इसको हल्का सा हल्के हाथ से इसको जो टैप करना बस, और कंप्रेसर चलते हुए मैं टैप करना है, रुकने पे नहीं, क्योंकि ये क्या होता है कई बार इसके अंदर डस्ट आ जाता है या पानी मॉइस्चर बन जाता है जिसकी वजह से ये लीक करता है। तो जब भी कंप्रेसर चला के, कभी बंद करके नहीं, चला के हल्का सा टैप करेंगे, ये आपकी लीकेज बंद हो जाएगी। अगर नहीं होती थोड़ा ज़्यादा टैप करिए, थोड़ी देर तक करिए, अपना भी वो लीकेज बंद हो जाएगी, कुछ डस्ट पार्टिकल होगा वो भी बाहर आ जाएगा, तो ये लीकेज बंद हो जाएगी। तो गाइस आपको पता चल गया ये किस वजह से लीकेज होती है और इसको कैसे ठीक करना है। इसको हल्का सा चलते हुए टैप करना है, डैप मतलब टैप करना है और ये लीकेज बंद हो जाएगी। इसको लोग कुछ और चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।